इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्र के अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, अब जल्द ही इसे संसद में पेश किया जाएगा। आपको याद दिला दें, 19 मई को अध्यादेश जारी किया गया था। इस अध्यादेश का दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने पुरजोर विरोध किया है। आपने इस अध्यादेश को असंवैधानिक करार दिया है। हालांकि इस बीच मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, जहां पर कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ को यह मामला सौंपा है। हालांकि इस दौरान केजरीवाल लगातार इस अध्यादेश के विरोध में समर्थन जुटाने की कोशिश करते रहे, लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि केंद्र के अध्यादेश को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, जिसे अब मौजूदा दौर में चल रहे मानसून सत्र के दौरान इसके बिल को पेश किया जा सकता है। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।